So this is my room. Roof. Very big. And the lights over here because the Diwali sequel, and this is like something. Okay, so it's now gonna my bed over here, really soft from my car. और यहाँ मेरे सारे soft toys हैं, मुझे रात को डर आती है. और ये भी सारे soft toys हैं. ये मामू ने मुझे gift किया था और ये सारे दीदी के हैं. And this is a pillow, of course. What do you expect in a bed? And over here ये है मेरी shelf. ये है थॉमस. दीज आर माई सन ग्लासेस. अ ड्रोन. एंड दिस इज अ बाइक. ये मुझे मिला था क्रिसमस 2017. ये है पूरा ऐसे ट्रांसफॉर्मर वो कार है. दिस इज स्टारबक्स मग. दिस इज अ बाइक. And ये टाइटन वॉच का पिल्लो है. सब कैच कैच खेल सकते हैं. यहाँ पीछे है एक ये बॉल. ध्यान से रहना होता है ध्यान से. और ये है एक टॉर्च. पता नहीं जलती है कि नहीं. शायद से इसकी अभी बैटरी लो है. सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं मेरी शेल्फ के अंदर क्या है. So these are some of my favorite story books. So these are my maths books. यहाँ पर एक notebook रखी है ताकि मैं उसमें notes लिख पाऊँ. और फिर यहाँ पर मेरी English book है. और ये है मेरी favorite dictionary. My school books are downstairs क्योंकि मैं mostly मेरी मम्मी के साथ पढ़ाई करता हूँ नीचे. और ये इसमें सारे से पुराने निंटेंडो स्विच है. वहाँ पर सॉरी निंटेंडो स्विच भी. ये इसका कंट्रोलर और ये भी कंट्रोलर. बहुत पुराने. ओके सो अब आते हैं मेरे मेन चीज में. ये है मेरा पीसी. ओके सो ये है मेरी चेयर. बहुत अच्छी और सॉफ्ट है. और फिर ये है मेरा माउस. सो ये है मेरा माउस. दिस इज रेड ड्रैगन M606. एंड दिस इज माय कीबोर्ड. ये है कीबोर्ड है रेड ड्रैगन कोरा K502 USB गेमिंग कीबोर्ड. एंड माय हेडफोन्स आर फ्रॉम Cosmic Bike G4000 Edition. The monitor is Samsung 3.5 inch LED black computer monitor. And ये है मेरा UPS. ये है apps का UPS. इसके साथ मुझे एक स्टिकर आया था, मैंने वैसे सिरा चुका दिया. इसे तो पहले आया था, मैंने इसे निकाल कर यहाँ पर चुका दिया. आप देख सकते हैं यहाँ पर. अब आपको अच्छे से दिखेगा नहीं तो आपको हल्के से ऐसे निशान दिखेंगे. अब ये है मेरा इसे वेबकैम. लेनोवो का वेबकैम है, मुझे नाम नहीं पता इसका पूरा. और ये है एक ब्रिक फोन का या फिर मेरी वॉच का. और ये है सैंडिस्क की पेन ड्राइव जो मैं ऐसे सारी वीडियोस कर यूज़ करता हूँ. और फिर ये है मेरा फ़ोन स्टैंड. मेरे पापा ने लाए थे क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई कर रही थी था, क्योंकि उसके लिए फ़ोन चाहिए था और मेरा फ़ोन रखने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने फ़ोन स्टैंड मंगाया. और ये है मेरा कंट्रोलर जो कभी भी नहीं चलता है, पता नहीं क्यों. इसका पूरा ड्राइवर इंस्टॉल्ड है फिर भी ये चलता नहीं है. इसके साथ ऐसे पूरा है अच्छा सा सिस्टम बताने के. इस
इसमें लाइट भी चलती है क्योंकि समझ आता है कि खराब नहीं है। और फिर आता है अपना पीसी। यहाँ पे बता रही मैंने इसे कल ही साफ किया था, अचानक से फिर से धूल आ गई है। और तो ये है मेरा सिंटेक्सिया का गेमिंग पीसी। इसमें इसका ये सीपीयू है 1i5 और जी एंड ग्राफिक्स कार्ड है और निविडा 2GB ग्रा 710 और GTX है। और फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा USB पोर्ट क्योंकि मेरा वेब कैम कल यहाँ पर हो नहीं पा रहा था इसलिए। एंड आई थिंक इसमें 8 USB पोर्ट्स हैं। ओके सो ये है मेरा इंटरनेट का, इंटरनेट है TP लिंक का वायरलेस ये। और मेरे पास एक और है पहले वाला, मगर वो मेरा चल रहा नहीं था क्योंकि वो 4G था और ये 5G है। इसमें पावर सप्लाई 460 वोल्ट की ज़र्बोनिक्स की। और फिर ये केस भी ज़र्बोनिक्स ज़ेब का है। और फिर ये रैम इसमें 8GB है और स्पेस 1TB है। ये शेल्फ में यहाँ पर मेरे सारे बोर्ड गेम्स हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं। और यहाँ पर मेरी दूसरी चीज़ है जो ख़राब हो गई है या फिर वो चलाता नहीं हूँ मैं, ये मेरे है वायरलेस हेडफोन्स। ये इनके एक कान से नॉइज़ नहीं आती है, अच्छे से नहीं आती वैसे तो, इसमें एक कान में नहीं आती नॉइज़ है। और ये मेरे चार्जर है मेरी वॉच का MI Band 3। और फिर ये एक पावर सप्लाई कुछ तो ये टूट गया है, ये पापा ने मुझे मेरे बर्थडे में दिया था 9th बर्थडे में। और ये है पुराना कैमरा, चलता नहीं है ये वैसे तो, वैसे चलता तो है मैं फिर भी बता नहीं क्यों ये सब। अगर आपको इंटरेस्ट है पुराने कैमराज में तो फिर आप मुझे कमेंट डाउन करिए, हम लोग एक वीडियो बनाएंगे मेरे पापा के साथ जिसमें हम लोग ये पूरे कैमरे को खोल कर दिखाएंगे। और फिर ये है मेरा पुराना टैब, अब तक चल रहा है मैं, इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हम इसको भी खोल कर दिखा सकते हैं कैमरे वाली वीडियो में। और ये मेरा पुराना फ़ोन है, ये अभी बहुत गंदी हालत में और ये चलता भी नहीं है। इसे अगर मैं आपको खोल कर दिखाऊँ तो फिर ये ऐसा है, कभी कभी इसका यही निकल जाता है। इसे हम लोग बैटरी निकाल भी सकते हैं, ये सारा सिम कार्ड का भी है। और फिर मुझे बहुत डब्बे कलेक्ट करने का बहुत मज़ा आता है, बॉक्सेस जो भी आते हैं चीज़ों में, ये सारे डब्बे मेरे पापा मम्मा किसी भी लेकर डाल दिए। ओके सो फ्रेंड्स अब देखते हैं मेरा रूम नाइट में कैसा दिखता है। This is the end of the video. If you like the video, then please like, share, subscribe to my channel, and I'll meet you all next time. Till then, bye.